टारगेट आप बनाइए और टॉपर हम बनाएंगे, वो भी किसको? आपको। जी हाँ, टारगेट आप बनाइए और आपको टॉपर हम बनाएंगे, और ये किस तरह से ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी, और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने जो है एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के। आपने गोल सेट कर लिया कि भाई मुझे जेई बनना है, मुझे ए बनना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये, अब सवाल ये उठता है कि अब हम कौन सा ऐसा पथ फॉलो करें, किस तरीके से आगे बढ़ें कि जो है हम अपने टारगेट तक पहुंच सकें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, सही गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, सही डायरेक्शन में वर्क बहुत जरूरी होता है। टाइम की प्रॉब्लम सबके पास रहती है, टाइम कम रहता है, काम स्मार्ट तरीके से होगा तभी अच्छे हम कर पाएंगे, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ टिप्स मैं आपको यहां पर देने जा रहा हूं। सपोज दैट आप जेई बनने जा रहे हैं, ठीक है, जेई के लिए आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो जेई के लिए जब आप प्रिपेयर करने जा रहे हो तो जेई से ज्यादा आपका अप्रोच होना चाहिए, जेई से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि हारते हारते आप जेई बन जाओ। सपोज दैट जैसे आप सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं गधे हैं, तो गधे हैं और गधों की रेस में हम अगर दौड़ते हैं तो हम ये भी हो सकता है कि हम सबसे पीछे रह जाएं, एवरेज भी रहें, ठीक है, और कुछ भी चांसेस पॉसिबल है। लेकिन अगर आप गधे हैं और आपने हैबिट रख रखी है अपनी घोड़ों की रेस में दौड़ने की, घोड़ों है ना, हॉर्स की रेस में दौड़ने की आपने हैबिट रख रखी है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप गधों की रेस में दौड़ेंगे तो आप अच्छा ही करेंगे, खराब तो नहीं करेंगे, इतना आप भी कंफर्म होंगे। तो यही अप्रोच आपको रखनी है। टाइम का विशेष ध्यान रखिए, 24 घंटे उसके पास भी है जो बंदा टॉपर बनेगा, 24 घंटे आपके भी पास है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप जेनिक के साथ टॉपर बनना चाहते हैं, जो है क्या आप जेनिक की स्ट्रेटेजी फॉलो करके टॉपर बनना चाहते हैं, जेनिक का गाइडेंस लेकर टॉपर बनना चाहते हैं, जेनिक के मेंबर बनकर टॉपर बनना चाहते हैं, जेनिक को फॉलो करते हुए टॉपर बनना चाहते हैं। तो यही बात मैं आपको बता दूं कि अपने टाइम को सेव रखिए, टाइम की वैल्यू समझिए जो है, और उस 24 घंटे में जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने गोल को दे सकते हो ना, एनी हाउ कैसे भी करके, मुझे पता है परेशानियां पहले भी आई थी, अब भी आ रही हैं, आती रहेंगी और आती रहेंगी, लेकिन उन परेशानियों को आपको इग्नोर करना है, ठीक है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए चैलेंजेस को फेस करना है जो है, और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने गोल तक, अपने टारगेट तक पहुंचना है। जी हाँ, अपने टारगेट तक आपको पहुंचना है। तो स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, जो भी आपके सिलेबस में है उससे ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत जरूरी है सॉल्व करने, जो भी क्लासेस आपको जेनिक पर प्रोवाइड कराई जा रही है उनको बहुत केयरफुली स्टडी करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, जेनिक को पूरी तरह से फॉलो करिए, और जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है उनका भरपूर लाभ उठाइए जो है। टाइम को सेव करिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, जेनिक के ऊपर ट्रस्ट करिए जो है, ठीक है, और उसके बाद अपने टारगेट पर कंटिन्यू बने रहिए, ब्रेक मत करिए जो है, ब्रेक मत करिए। कुछ दिन की परेशानी है, कुछ दिन का चैलेंज है, उसके बाद पूरी लाइफ सेटल है। तो ये बहुत जरूरी है डियर, और मुझे उम्मीद है कि आप ये ऐसा जरूर करेंगे। 24 घंटे हैं, जेई अगर आपको क्वालिफाई करना है तो जेई से ज्यादा अप्रोच रखिए, जेई से हाई लेवल की चीजें अपनी कैपेसिटी रखिए, तब आप गिरते गिरते भी, फेलियर होते होते आप जेई क्वालिफाई हो जाएंगे, और ये भी हो जाएगा कि आप जेई के टॉपर भी बन जाए, क्योंकि जब आपकी कैपेसिटी रहेगी 50 kg वेट उठाने की, ठीक है, तब आप 30 kg वेट उठा ही लोगे, नहीं उठा पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, अगर जेई बनना है तो जेई से हाई लेवल की चीजों को आप डिजर्व करिए, उन पर इम्प्लीमेंट करिए, उनमें अपने में इम्प्लीमेंट करिए उसके अकॉर्डिंग, और चीजों पर वर्क करिए, केवल सोचिए नहीं, उसको करिए भी, डेली के गोल सेट करिए, उनको डेली कम अचीव करिए। जब आप डेली गोल अचीव करेंगे ना तो आपको पता चलने लगेगा कि मैं अपने गोल के कितना करीब पहुंच रहा हूं, और मेरे टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स पूरे होते जाएंगे, तो आप उस बड़े टारगेट की तरफ पहुंचते चले जाओगे। तो इसी तरह से मैं मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा,
नई नई टेक्नोलॉजीज जो अब आ गई हैं जो है उनके हिसाब से अपडेट रहिए, अपने आप को चेंज करिए। देखिए परिवर्तन प्रकृति का मूल नियम है, परिवर्तन अगर नहीं करेंगे, समय के साथ परिवर्तन नहीं रखेंगे हम लोग करेंगे तो पतन की तरफ बढ़ जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है टाइम के हिसाब से। देखिए पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, अब ऑनलाइन का ट्रेंड देख रहे हैं कितना बढ़ चुका है जो है, अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी जो है चल सकते हैं आगे समय में, ठीक है। तो आप चेंज हो जाइए अपने समय के अकॉर्डिंग, और जो भी सिलेबस है उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, डेडिकेटेड स्टडी करिए, प्रिपरेशन करिए, जो भी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है उनको बहुत केयरफुली सीरियस होकर के बहुत अच्छे से पढ़िए, और छोटी से छोटी खुशी को भी इंजॉय करिए, खुश रहना सीखिए, दिए हंसना सीखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि स्माइलिंग बहुत जरूरी है, हंसते हंसते हर परेशानियों को हमें जो है पार करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो इस तरह से जो है जेनिक के साथ टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाइए, ओके, क्योंकि 24 घंटे आपके पास भी हैं और 24 घंटे आपके कंपटीटर आपके साथ वाले जो हैं उनके पास भी हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।